अरे आइए ताऊ जी। प्रणाम जी। अब क्या करूं, बच्चे सुबह उठते ही आसमान पेपर उठा लेते हैं, इनकी तो भी दिन रोजा हाथ से निकल जाता है। प्रणाम दीदी, आज आप इधर का रास्ता कैसे भूल आए? रास्ता नहीं भूली कला, तुम सबसे इतने दिनों से नहीं मिली थी। अच्छा, आंखें ठंडी करा लो। और तुम तो जानती हो मैं कभी आकर मुझे ना बोलो काम नहीं करती। हाँ दीदी, भला आप कभी किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ती हो? किसी के अकल से पत्थर थोड़े पड़े हैं। हाँ बिल्कुल। ए मतलब मुझे क्या खिसियानी बिल्ली समझो जो खंभा न चे? आपसे कोई आंख लड़ा है? किसी की इतनी हिम्मत की आपसे कोई आंख लड़ा है? मैं उसके ठिकाने को ठिकाने नहीं लगा दी। आए है मेरी बच्ची, तेरी बातें सुनकर दिन बाग बाग हो जाता है। अरे तू ही तो इस अंधे की लाठी है और बाकी सब चोर चोर मुझसे भाई है। ताई जी, आप ही तो अंधे अंधे काना का राजा हो, भला आपसे कोई जीत सके है? आप तो अच्छे अच्छे के डांस खटे कर सको। तुझे तो दुश्मन के नाम चने चबाना है, मुझे बता ईद से ईद बजा दूंगी। हाँ अरे नहीं नहीं ताई जी, आप ऐसे बाहर ना हो, आपके एक रुपया से सबसे पर पांव रखकर भाग जाते हैं। अरे नहीं नहीं, दिलों में डुबकी लगाते हैं। चल चल, अब ठीक से ही निपटी रहेगी, पेट पूजा भी करवाएगी, पेट में चूहे घूम रहे हैं। जी ताई जी, धन्यवाद। जात पात के बदल को तोड़े, हिंदी हमारे देश को जोड़े, मनमोहक गीत की प्रस्तुति करने के लिए रुद्रांश और जागृति का स्वागत करें। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुंग मार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुंग हार दो। आन बान सानिया की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुंग हार दो। आन बान सानिया की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड मन का रेस प्राण रे, जो मन का रेस प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन का रेस प्राण दे, जो मन का रेस प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सकता है वही तो महान है। जीत की है बस नहीं, किसी के कोई बस नहीं, रजनी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन बान सानिया की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। धन्यवाद। सारा रजत के लिए बचती रहे, धन्यवाद आप दोनों का। अब गीत की प्रस्तुति के लिए लहरी और सुदीक्षा को मंच पर आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। Oh,
उनका समूह ताले हिंद देश हम सब एक तू
जयपुर जयपुर जा, तू ना झुकना कभी, तू ना झुकना कभी, झीले 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 अपनी जिंदड़ी। ओ मार चढ़ पा, ओ चांद पे चढ़ जा, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा बढ़ के आसमान दी पारी। आ
इस वजह से मैं नाटक में प्रदर्शन नहीं कर पाया, इसलिए मैंने नाटक के लिए ऑडिशन लेना शुरू किया। अरे राकेश, मुझे भी तेरे नाटक में आना है, शर्मुखा भी आना चाहता है। तुम दोनों के पास कोई अनुभव है? नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे। कोई डायलॉग बोल सकते हो? चुगली की धार इतनी तेज होती है कि वो खून के रिश्ते को काटते रख देती है। ठीक है, तुम मेरे नाटक में राकेश रम्या बनो और तुम रम्या के डॉक्टर राम रामू इस प्रकार मुझे कोई नहीं मिला, इसलिए मुझे तुम तीनों को लेना पड़ा। नाटक के दिन फर्क है मेरा भी। तुम लोग पानी पियो और निकलो। सुबह से मेरे दिमाग का सही बना रखा है। मोहन बना था चित्रकार और सोहन बना था उद्योगकर शायर। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं। श्याम बना था संगीतकार। तुम दोनों की कला तो बेकार है। मेरी कला सबसे महान है। नहीं, मेरी कला, मेरी कला महान, मेरी कला महान, मेरी कला महान, मेरी। सब अच्छा चल रहा था, तभी श्याम अपने संवाद भूल गया। अरे उधर जाके सुन लेना। सुन, जब संगीत विश्वने की गूंजती है सुपर तो किस सब बुक बजाते हैं शायद क्या बोलता है उसके संगीत को। जा जा जा। जब संगीत की स्वर नहीं गूंजती है तो तब पशु पक्षी मुंह की खा जाते हैं। आप क्या समझते हो संगीत को कबूतर साहब? तेरा सर पागल हो गया तू? कबूतर साहब हो गए? कबूतर साहब शायर साहब हुए शायर। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। यह जानना चाहता है कि आपकी कला कबूतर के साथ आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। धन्यवाद।
कि आपको हमारी नाटक पसंद है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा। जन्मभूमि है हमारी शान से कहेंगे हम, सब ही तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। मैं फिर से बाहर आती हूँ, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। धन्यवाद। जब तक हिंदी को पहुँचा, हिंदी को पूरे देश में उसकी पहचान बना। नमस्कार, आज की प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत है। आज की प्रार्थना सभा का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। प्रार्थना गीत पांचवी कक्षा के द्वारा, हिंदी पिंडी नृत्य छठी कक्षा के द्वारा, पेड़ों के महत्व पर नाटक तीसरी कक्षा के द्वारा, कृष्ण जी के गीत पर आगे नृत्य करेगी कविता अभिषा के द्वारा, और अंत में नाटक सातवीं कक्षा के द्वारा। धन्यवाद। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरुआत का साथ प्रभु, करते हैं हम शुरुआत का साथ प्रभु।
विश्वास आधा। कान्हा जी का जस दाएं
रानी है, गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है, सांझ सखरे जमुना किनारे राधा राधा ही कान्हा पुकारे। जी
हिंदी और बिंदी दोनों ही आउट ऑफ फैशन है। हिंदी कोई फैशन नहीं, भाषा है। छोटी है, छोटी बनकर है। खबरदार अगर मेरे साथ बड़ी ही की मात्रा लगा के बात की तो तुम्हें जी मैं आपको देख लूंगी। देख तो मैं तुझे लूंगी सबटाइटल के साथ। वी वी वी, वो तो देखना ही पड़ेगा क्योंकि आने वाले टाइम में सब लोग मुझे ही तो देखेंगे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, अपनी बेटी को बुलाना पड़ेगा। बेटी ए, मैं तुझे बच्चे देती हूँ कि अगर तेरे नाउन का प्रनाउन ना किया ना तो कहला। हाँ हाँ, तो मैंने भी आपके अनुलोम का विलोम ना किया ना तो कहना। और तो मैंने सिद्धू का मनमोहन ना किया तो कहना। What the hell you are talking? ऐसे कैसे हिंदी मात्रा भाषा है? कम्युनिकेशन के लिए होती है और हिंदुस्तान तो अनेकों बोलियों का देश है। सदियों से एक ही भाषा चली आ रही, प्यार की भाषा।
Thank you.
काट रहा है। बस नाम लिखने लग जाते हैं, खुद तो हमेशा बातें करें पर हमें चुप करवाते हैं, अपनी तो बस गलती माँ हमें बली चढ़ाते हैं, क्लास को संभाल पाते नहीं बस चीखते और चिल्लाते हैं, भगवान बचाए इन मॉनिटर से इन्हें हम नहीं चाहते हैं। धन्यवाद। अब हम सभी से विश्वास की रचना सुनेंगे। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तड़प पागल समझता है। यहाँ सब लोग कहते हैं कि मेरी आँखों में आंसू है, यहाँ सब लोग कहते हैं कि मेरी आँखों में आंसू है। जब समझे तब होती है
ना समझे तो पानी है, जो तू समझे तो मोती है, ना समझे तो पानी है। धन्यवाद। वाह वाह, आज आपके सामने कविता सुनाने परिणी आ रही है। खूबो मस्ती और लड़ाई, बातें करते हाय पर, परीक्षा में भी जीरो आए, पापा ने डांट लगा, मम्मी ने मार लगा, पप्पू को समझ में आया, उसने अपनी किताब उठाई, उसकी अकल ठिकाने आई, अब करता है वो रोज पढ़ाई। धन्यवाद। तुमने भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया किया। अब आया ज्ञान होता पाठना आनंद लीजिए। मुख्य पेशा अपने से पर मनाने पर मान जा, अपने आखिर अपने है ये बात तुम जान जा, होती है गलती गलती से, गलती जिसने ना की हो कभी, सामने वो इंसान लाओ, अक्सर टूटने पर पता चलती है अनोखी है, अनोखी के रिश्तों को जान जाओ। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब काव्या अंत में काव्या द्वारा कविता पाठ का आनंद उठाए। जिस नाम के सुनने से डरता है हर बच्चा, वो है परीक्षा। परीक्षा का पेपर हाथ में आते ही डर लगता है, अगर सही नहीं किया तो घर पे पिटना पक्का है। 3 घंटे में करने होते हैं लगभग 40 सवाल, एक भी छूटा तो घर पे होता है बवाल। समय के एक रात पहले नींद नहीं आती है, पास होने के लिए भगवान की याद आती है, पास होने के लिए भगवान की याद आती है। धन्यवाद। तो दोस्तों कैसे लगा ये कवि सम्मेलन? बहुत बढ़िया तो किया था। माता पिता के लिए उनके बच्चे उनकी पूरी दुनिया होते हैं, इसीलिए वे उन्हें हमेशा आगे बढ़ते हुए सफल होते हुए देखना चाहते हैं, और इसके लिए हर माता पिता यथासंभव प्रयास करते हैं। वे हमेशा अपने बच्चों के भविष्य में अपने सपनों को ढूंढते हैं। होकर अफसर बनेगी, इसीलिए तो हमने इसका एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में करवाया है। गुड मॉर्निंग मैम। हमारा ऐसा दुनिया की हो ही नहीं, मैं अपनी ही दुनिया।
अरे तुम तो बहुत होनहार हो, तुम्हारी इस कला को देखकर तो लगता है कि तुम भविष्य में बहुत बड़ी कलाकार बनोगे। मेरी टीचर ने कहा है कि मैं बड़ी होके बहुत बड़ी कलाकार बनूंगी। नहीं, तुम वो बनोगी जो मैं चाहती हूँ। नहीं, तुम वो बनोगी जो मैं चाहता हूँ। लाओ दो इधर, बंद करो ये सब। कहता ये पल खुद से निकल, जीते चल जीते चल जीते चल, पलवों के नीचे है ठंडी सी एक धरती, कहती है आजा दौड़ेंगे। यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है, कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे, इस नृत्य नाटिका के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि हर काम महत्वपूर्ण है। कोई भी काम, कोई भी प्रोफेशन बड़ा या छोटा नहीं होता। इसीलिए हमें अपने बच्चों में निहित प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारने में अपने बच्चों का सहयोग करना चाहिए, जो निसंदेह उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होगा। जलता है सपनों को दो परवाज, अगर उड़ने की तमन्ना ये हालात भी बदलेंगे ये धरा भी मुस्कुराएगी जब हिंदी जन जन की भाषा बन जाएगी, जब हिंदी जन जन की भाषा बन जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों ने इस पूरे हिंदी सप्ताह में, हिंदी सप्ताह में जिसने जिसने हिस्सा लिया है और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत की है, उन सभी बच्चों का हार्दिक हार्दिक अभिवादन और हार्दिक हार्दिक स्वागत।
तो ऐसे ही जब हम सभी मिलकर हिंदी में बात करेंगे, हिंदी को बढ़ावा देंगे, तभी जाकर हिंदी आगे बढ़ेगी और विश्व पटल पर नंबर एक की भाषा बनेगी। इसीलिए सभी को हिंदी में बोलना चाहिए और हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। तो सभी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत की है, तो मैं भी एक प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक छोटी सी कविता है, कविता का नाम है हिंदी व्याकरण वृक्ष। हिंदी व्याकरण वृक्ष मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप भी मेरा साथ देंगे। आओ हिंदी व्याकरण से तुमको मिलवाते हैं, आओ हिंदी व्याकरण से तुमको मिलवाते हैं, सत्य सर्वनाम क्रिया विशेषण तुमको समझाते हैं, सत्य सर्वनाम क्रिया विशेषण तुमको समझाते हैं। हिंदी व्याकरण नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जो संज्ञा के बदले आए सर्वनाम बन जाते हैं, जो संज्ञा के बदले आए सर्वनाम बन जाते हैं, जो संज्ञा के बदले आए सर्वनाम बन जाते हैं। व्यक्ति वस्तु जगह का नाम संज्ञा की पहचान है, व्यक्ति वस्तु जगह का नाम संज्ञा की पहचान है, जगह उसका बताना सर्वनाम का काम है, यह वह उसका उसका बताना सर्वनाम का काम है। हिंदी व्याकरण संज्ञा के गुण दोष बताए विशेषण कहलाता है, संज्ञा के गुण दोष बताए विशेषण कहलाता है, नया पुराना अच्छे बुरे का भेद वह बतलाता है, नया पुराना अच्छे बुरे का भेद वह बतलाता है। तररम पम पम तररम पम पम तररम पम पम तररम पम पम मम्मी और टीचर बंसिया सारे काम कराती है, मम्मी और टीचर बंसिया सारे काम कराती है, खेलना पढ़ना नाचने गाने के नियम यही बतलाती है, खेलना पढ़ना नाचने गाने के नियम यही बताती है। हिंदी व्याकरण आओ हिंदी व्याकरण से तुमको मिलवाते हैं, संज्ञा विशेषण क्रिया सर्वनाम तुमको समझाते हैं, संज्ञा विशेषण क्रिया सर्वनाम तुम सबको समझाते हैं। हिंदी व्याकरण सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करने के लिए खड़ी हूँ जिन्होंने इस आयोजन को संभव बनाया है। मैं हमारे प्रधानाचार्य जी को धन्यवाद देकर शुरुआत करना चाहूँगी, जो हमेशा हमारे समर्थन सहन में सहायक है और हमें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया है। मैं अपने पार्टी सदामों गतिविधियों के प्रभारी वर्ग पर्यवेक्षी प्रमुख शिक्षकों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो हमारे अटल समर्थन हमारी वृद्धि और विकास में सहायक है। माँ, मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। बस जाए वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है।
में